जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, आपने हर समय भगवान के नाम का याद रहने का उपाय पूछा, सो भगवान में प्रेम और संसार के प्रति तीव्र वैराग्य होने से भगवान की याद हर समय हो सकती है। इसके लिए भी भगवान के नाम का जप प्रसन्नता पूर्वक करने का अभ्यास करने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा करना ही वास्तविक उपाय है। समय को अमूल्य समझना चाहिए और बहुत उत्साह के साथ भगवान की ओर लगना चाहिए। संसार का चिंतन भगवान की प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक है एवं अपने लिए भी घातक है, ऐसा जाने। संसार का चिंतन करते हुए जो मरेगा उसको संसार की ही प्राप्ति होगी, और जो भगवान का चिंतन करते हुए मरेगा उसे भगवान ही प्राप्त होंगे, ऐसा जान लेने पर कौन मूर्ख है जो भगवान को भूलेगा। जो भगवान को छोड़ संसार का चिंतन करता है उसको मूर्ख समझना चाहिए। आगे सेठ जी कहते हैं कि आपने लिखा कि भगवान का भजन निरंतर हो, ऐसा अभ्यास जल्दी होना चाहिए, सो यही ठीक है। आपके अंदर इस प्रकार की इच्छा का होना बहुत ही उत्तम एवं प्रशंसा के योग्य है। इस प्रकार की तीव्र इच्छा रहने से निरंतर अभ्यास रहना कोई बड़ी बात नहीं। आपने लिखा कि भूल हो जाती है, याद नहीं रहता, सो बात ठीक है। संसार का अभ्यास बहुत दिनों से करते आए हैं, इसी से भगवान का अभ्यास करने में भूल पड़ती है। यह भूल यदि आपको सहन नहीं होगी तो अपने आप कम होती चली जाएगी जब तक भगवान में पूर्ण प्रेम नहीं होगा तब तक भूल का सर्वथा मिटना संभव नहीं है। आपने लिखा कि भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए, सो मेरा भी लिखना है कि अवश्य होना चाहिए। आपके अंदर इस प्रकार की इच्छा रहेगी तो फिर अधिक ढील होने में कोई कारण नहीं दिखाई देता। भगवान के गुणों की बातें पढ़ने सुनने से तथा भजन ध्यान का विशेष चेष्टा पूर्वक तीव्र अभ्यास करने से भगवान में प्रेम होकर चिंतन हर समय हो सकता है। आपने लिखा कि भगवान के स्वरूप का ध्यान रखते हुए नाम का जप होना चाहिए, सो सत्संग के अभ्यास से उसका प्रभाव जान लेने से ऐसा हो सकता है। भजन ध्यान को सबसे उत्तम माना जाए तभी भजन ध्यान हो सकता है। भजन को सच्चे मन से सर्वोत्तम मान लेने के बाद दूसरा चिंतन अपने आप कम होने लगेगा, सो भी थोड़े ही दिन होगा। संसार का चिंतन जब आपके मन को अच्छा नहीं लगेगा तब भगवान का ही चिंतन अधिक होगा। आपने लिखा कि भजन ध्यान करते समय भगवान का ध्यान हटकर संसार का चिंतन जबरदस्ती होने लगता है, सो ठीक ही है। संसार का चिंतन हमारे लिए बड़ा घातक है। जो संसार का चिंतन करते हुए मरेगा उसे संसार की प्राप्ति होगी, और जो भगवान का चिंतन करते हुए मरेगा उसे भगवान प्राप्त होंगे। जो इस भेद को समझ जाएगा उसे संसार का चिंतन सहन नहीं हो सकता। ऐसा होने पर यदि फिर भी संसार का चिंतन जबरदस्ती होगा तो वह थोड़े ही दिन टिकेगा। संसार के चिंतन का जब चोट की भांति दर्द होगा तब अपने आप चेत हो जाएगा। हम जितनी ही अधिक चोट सहते हैं उतनी ही अधिक चोट हमें लगती है। आपने लिखा कि स्मरण में भूल हो जाती है, वह जल्दी मिटनी चाहिए, सो उसे मिटाने की सच्चे मन से चेष्टा होने से भूल का मिटना कौन सी बड़ी बात है। आपने फरुखाबाद से चिट्ठी दी थी जिसमें लिखा था कि हर समय प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण होना चाहिए। जो हर समय स्मरण तो प्रेम होने पर ही होगा, सो हर समय स्मरण तो भगवान में प्रेम होने पर ही होगा, चाहे जिस प्रकार से हो
भगवान का चिंतन प्रेम पूर्वक हर समय होना चाहिए। इस प्रकार की इच्छा रखनी चाहिए। इस तरह की इच्छा भी बहुत उत्तम है। भैया, समय बीता जा रहा है, गया हुआ समय वापस नहीं आता। समय बहुत ही अमूल्य है, इसको अमूल्य काम में ही लगाना चाहिए। समय को जो अमूल्य काम में बिताएगा, उसे फिर कभी पछतावा नहीं करना पड़ेगा। समय का मूल्य जान लेने पर सफलता में विलंब नहीं है, सफलता में विलंब नहीं है। आपने पूछा कि अपने मन को सुधारने का क्या उत्तम उपाय है। भैया देखो, सांसारिक लगन चाहे कितनी ही प्रबल हो, कोई डर की बात नहीं। यदि प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम का जप होता रहे, रास्ता सुधरने का इससे बढ़कर और क्या उपाय है। भगवान के गुणानुवाद और उनके प्रभाव की बातें सत्संग द्वारा सुनने की चेष्टा करनी चाहिए। फिर पुराने संस्कार चाहे कितने ही बलवान हों, भगवान के नाम के निरंतर जप के प्रभाव से पुराने समस्त बुरे संस्कार नष्ट हो सकते हैं। परंतु भजन हुए बिना कुछ भी उपाय नहीं है। भजन न होने में सत्संग, प्रेम और पुरुषार्थ का अभाव ही प्रधान कारण समझा जाता है। पुरुषार्थहीन का भगवान भी उद्धार नहीं कर सकते। अथवा नाशवान क्षणभंगुर संसार की संगति अधिक होती रहेगी, अधिक होती होगी। इसके सिवा दूसरा कारण तो मेरी समझ में कुछ नहीं आता। सत्संग तो सभी जगह प्राप्त हो सकता है, परंतु होता है खोज करने पर। प्रबल इच्छा हो और तदनुसार पुरुषार्थ किया जाए तो सत्संग अवश्य प्राप्त हो सकता है। अपने आप घर बैठे ही सत्संग का मिलना तो उत्तम प्रारब्ध होने पर ही संभव है। भगवान में प्रेम हो जाने पर तो सांसारिक प्रेम अपने आप कम हो जाता है। सांसारिक प्रेम को हटाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता। अंतःकरण भगवान के भजन, ध्यान और सत्संग से शुद्ध हो सकता है। यदि भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान निरंतर प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से और गुप्त रूप से होता रहे, तो उसके अपने अंतःकरण की तो बात ही क्या। उस पुरुष के दर्शन मात्र से दर्शन करने वालों के पाप नाश हो जाते हैं। इससे अधिक और क्या लिखा जाए। तुमने पूछा, भगवान के नाम में प्रेम कैसे हो। सो कीर्तन करने से ही कीर्तन में प्रेम होता है, नाम जपने से ही नाम में प्रेम हो जाता है। जितना अधिक सत्संग होता हो, कीर्तन होता हो, कीजिए। व्यर्थ के काम में भले ही चित्त चलायमान रहे, बुद्धि भी चाहे खराब रहे, परंतु प्रेम और ध्यान सहित यदि भगवान के नाम का जप निरंतर होता रहे तो सारे दोषों का नाश होकर स्वयं नारायण दर्शन दे सकते हैं, भगवान दर्शन दे सकते हैं। भगवान तो प्रेम के ही अधीन हैं, भगवान तो प्रेम के ही अधीन हैं। तुमने लिखा कि मुझे कोई एक मंत्र बताइए। सो गायत्री मंत्र का तो स्नान आदि करके श्रद्धा पूर्वक, शुद्धता पूर्वक एक आसन से ही जप करना चाहिए। मेरी समझ में जिनकी प्रभु के निराकार रूप में भक्ति है, उनके लिए ओम मंत्र का जप उत्तम है। मंत्र जप करने वाले विष्णु भक्त के लिए एकांत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और सब समय राम नाम का जप उत्तम है। जिनकी भक्ति भगवान शंकर में है, उन पुरुषों के लिए एकांत में ओम नमः शिवाय और सभी काल में शिव नाम का जप उत्तम है। सब अवतारों में जिन पुरुषों की भक्ति है, उनके लिए हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सदा सर्वदा इस मंत्र का जप उत्तमो उत्तम समझा जाता है। जय श्री राधे। कल किसी ने पूछा था कमेंट में कि क्या राधा नाम का जप करने से भगवान में प्रेम नहीं होगा। भैया, राधा नाम जपो, राम नाम जपो, माँ दुर्गा जपो, जो आपको पसंद हो, जो आपके इष्ट हो, जिनको आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम महसूस होता हो, उनका नाम आप जप सकते हैं।
नाम सभी समान हैं। जय श्री राधे। इसमें जो ये मीठे रस सु भरियो राधा रानी, तो थोड़ा सा ये शब्द हमको खटकता है यूं कि राधा जी के लिए मीठे शब्द मीठे रस सु भरियो, ये भगवान कृष्ण कह सकते हैं, हमारे तो वो परम आराध्य हैं। तो कृष्ण प्रेम सु भरियो राधा प्यारी लागे, ये शब्द मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि हम गाते हैं लेकिन वो हमारे मन में खटकता है शब्द, थोड़ा लेखक ने थोड़ा ये विचार नहीं किया। मीठे रस सु भरियोड़ी मतलब कोई गन्ने का सांटा थोड़ा ही है, हम नहीं, हम कहने के अधिकारी नहीं है, वो भगवान की आलादनी शक्ति है, वो भगवान कह सकते हैं ना, कृष्ण कह सकते हैं। मेरी भव माधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति हो। राधा जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। हो कृष्ण प्रेम सु भरियोड़ी राधा रानी लागे, हो राधा रानी लागे, माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। कृष्ण प्रेम सु भरियोड़ी राधा रानी लागे, हो राधा रानी लागे, माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। कृष्ण प्रेम सु भरियोड़ी राधा रानी लागे, हो राधा रानी लागे, माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। समी
बारंबार काना नित मुरली मेरे रे सुमिरे बारंबार सुमिरे बारंबार नाना रूप धरे मनमोहन कब हुन पावे पार नाना रूप धरे मनमोहन कब हुन पावे पार रूप रंग की छबीली पटरानी लागे रूप रंग की छबीली पटरानी लागे रानी लागे माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे माने खारो खारो जमुना जी पानी लागे कृष्ण प्रेम सुभरियोड़ी राधा रानी लागे राधा रानी लागे माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे कृष्ण प्रेम सुभरियोड़ी राधा रानी लागे राधा रानी लागे माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे मन
जय श्री राधे। पूज्य